बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो जी, इस दफ़ा हम लोगों ने अपनी ईद आउट ऑफ सिटी सेलिब्रेट की, तो हम लोग अलबाहा सिटी गए, जो कि यहाँ का हिल पॉइंट है और वेकेशंस के लिए तो बेस्ट प्लेस है। लोग चूँकि ताइफ सिटी से होते हुए गए थे, तो आप लोगों को मैं ताइफ का भी व्यू दिखाऊँगी और साथ साथ अलबाहा सिटी का भी, तो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो ये जी ताइफ सिटी था, और ताइफ सिटी को भी बहुत प्यारा सजाया हुआ था। तो अभी हम लोग यहाँ पर रिफ्रेशमेंट के लिए रुके हुए थे। तो जी, इसके बाद हम लोगों ने अपना जो ट्रैवल है वो कंटिन्यू रखा, और बीच में इतनी प्यारी प्यारी वादियाँ आ रही थी। एक्चुअली यहाँ पे करिया कहते हैं, करिया यानी जो छोटे छोटे से गांव बने होते हैं, तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। क्योंकि अलबाहा के दो रास्ते हैं, एक ताइफ से होता हुआ जाता है, तो हम लोगों ने इस दफ़ा ताइफ से रास्ता जो था वो सेलेक्ट किया था। तो इसीलिए बीच में जो इतनी प्यारे प्यारे व्यू आ रहे थे, इतने खूबसूरत ग्रीनरी यहाँ पे थी, तो बहुत ही दिखने में अच्छा लग रहा था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पहाड़ों के बीच में से रास्ते बने हुए थे, और पहाड़ भी जो लेफ़्ट राइट थे ऐसे ग्रीन हुए हुए थे, तो बहुत ही प्यारा ये व्यू पेश कर रहे थे। हम लोग सिटी से होते हुए गुजर रहे थे, और जिस सिटी से गुजर रहे थे वहाँ का अपना एक मोनूमेंट रखा हुआ था। जैसे अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सामने लैंटर्न था इस इलाके का, बहुत ही प्यारा लग रहा था। जैसे कि ये वाला रास्ता देखिए, कितना खूबसूरत दो पहाड़ों के बीच में से होता हुआ जा रहा है, और सामने बादलों का व्यू, वाव, सुभान अल्लाह। जूँ ही हम अलबाहा सिटी में इंटर हुए, तो हमारा वेलकम जो था तो वो बारिश से हुआ। काले काले बादल और हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं, कि दिल खुश हो गया था। और अचानक से बारिश तेज़ हो गई कि आगे रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था, तो फिर हम लोगों ने यहीं पे ही स्टॉप पे रुक गए थे। और फिर ज़रा बारिश रुकी, तो फिर हम लोगों ने अपना ट्रैवल जो था वो कंटिन्यू रखा। और आप लोग जैसे देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत व्यू था बारिश के बाद भी। अभी अलबाहा सिटी में हम इंटर हो गए थे, और सामने देखें घर बने हुए थे पहाड़ों के ऊपर, कितना खूबसूरत लग रहा था ना। और इस वेदर से तो वैसे ही दिल खुश हो गया था, कितना खूबसूरत लग रहा था। तो हम लोगों ने तो खूब इस बारिश को एंजॉय किया, बीच में रोक रोक के हम लोग बारिश के मज़े लेते रहे। और ये देखें कितना खूबसूरत एक पार्क आया था, इतना प्यारा इन्होंने बनाया हुआ था। अलबाहा
और वहाँ इंटर होते ही हमें कितना जबरदस्त वेदर मिला है। बारिश का सारा सैलाब ऐसी माहौल सामने। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अलबहा सिटी को भी कितना प्यारा डेकोरेट किया हुआ था, जगह जगह पे पेंटिंग की हुई थी। तो जी बस अब हम लोग अपने होटल की तरफ जा रहे थे और देखे सामने फोग भी उतरी हुई थी और यहाँ पे बैद बिरयानी भी थी, क्योंकि ईद के दिन थे तो इसीलिए काफ़ी शॉप्स जो थी वो बंद थी, मॉल भी वहाँ पर बंद थे। ये अलबहा का सेंटर पॉइंट, ये बाजी हम लोग अपने होटल गए, वहाँ थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद हम लोग डिनर के लिए निकल गए और यहाँ पर भी देखें अलबैक था, तो हम लोगों ने फिर डिनर किया और उस टाइम भी इतनी मज़े की बारिश हो रही थी। यहाँ पर हम लोग चाय पीने के लिए आ गए थे। ये मौसम और चाय, क्या बात है। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं, रगादान विलेज। फिर जी इसके बाद हम लोग रगादान पार्क चले गए थे और यहाँ पर भी बहुत प्यारा बच्चों के प्ले एरिया बने हुए थे और उसके अलावा जो था तो एक्टिविटीज़ भी काफ़ी थी यहाँ पे, काफ़ी बड़ा पार्क है। सामने पहाड़ कितना प्यारा लग रहा है लाइटिंग से, बिजली चमक रही थी। ऐसे हट्स बनाए हुए जगह जगह पे बैठने के लिए, मुझे नहीं थी अब चाहिए लग रही, कितना प्यारा लग रहा है। वो नीचे रोड है, ये देखिए ब्यूटीफुल रगादान पार्क का। इतनी ठंडी हवा चल रही है, देखिए क्लाउड्स गैंगवे है, ये पूरा हैंगिंग ब्रिज है यहाँ पे। ये जी अलबहा का बुलीवार्ड है, ये सारा मुंतजा अमीर हसाम, ये यहाँ से नीचे से ये पार्क असल में बहुत ही प्यारा पार्क है, प्रिंस हसाम पार्क। और ऊपर से व्यू कितना प्यारा लग रहा है, नीचे पूरा अलबहा सिटी नजर। था जी हमारा पहला दिन, तो बस अब हम लोग बहुत थक चुके थे, अब हम लोग अपने होटल चले गए थे आराम करने के लिए।
तो फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलती हूँ। टू बी कंटिन्यूड रहेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।